Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intekhab Azhar. Today I am discuss about the structure of the nucleotide. हम लोग बात करते हैं structure of nucleotide की. Nucleotide is a monomer. Monomer वो होता है, small unit होती है. जैसे हम लोग कहें कि ये जो wall है, ये wall जो बनी हुई है, small particles से मिलकर बनी. यानी ईट जो है एक monomer है. बहुत सारे monomer जब आपस में attach होते हैं तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं. यानी ये न्यूक्लियोटाइड इज़ अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है ना. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है बेटा, तीन चीज़ों से बना होता है. ठीक, कितनी चीज़ों से बना होता है बेटा? तीन चीज़ों से. तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं याद रखना. BSP. क्या बेटा? BSP. ठीक, बेस होता है. बेस का मतलब नाइट्रोजिनस बेस. ठीक, शुगर और फॉस्फेट. और क्या होता है बेटा? फॉस्फेट. तीन चीज़ों से बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर, फॉस्फेट. से याद रखना BSP. ठीक, अगर हम लोग शुगर में देखें कौन सी शुगर होती है बेटा, पेंटोज शुगर होती है. ठीक, पी से पेंटोज, पी से पाँच, पांच कार्बन जिसमें होते हैं. फॉस्फेट की हम लोग अगर बात करें तो होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ये भी क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है. यानी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में? पांच. पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं. ठीक, अब यहाँ पर यानी OH यानी ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया. अब ये पेंटोज शुगर का हम लोग अगर देखें तो दो होते हैं बेटा. एक होता है DNA, एक होता है RNA. DNA में जो होती है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज, और इसमें कौन सी होती है बेटा? राइबोज. ठीक, अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान है. याद करना कैसे याद करोगे? बोलना मुर्गी का अंडा, दो दो डंडा. ठीक, गली गली में देखना, मुर्गी का अंडा, दो दो डंडा, दो दो और डंडा, और गली गली में डंडा कर दो. एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहाँ पांच कार्बन. ठीक है ना, कार्बन होते हैं पांच, लेकिन रिंग के अंदर होते हैं चार. डी ऑक्सी राइबोज का डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल. क्या होता है डी का मतलब? रिमूवल. ऑक्सी यानी ऑक्सीजन का. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये दो होती हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म होती हैं. जो बीटा होती है उसमें OH की पोजीशन ऊपर होती है. ठीक है ना, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म. ये पेंटोज शुगर है. अब बताओ आप, अगर आप लोग किसी बच्चे को खिलाते हैं तो कैसे? सर पर बैठाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि पैर पे. तो ऊपर सर पे अगर ऊपर OH है तो बीटा फॉर्म होगी. ठीक है ना, बीटा फॉर्म. जो वैलेंसी बच जाती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, आपको पता होगा ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं. यहाँ पे H, यहाँ OH. ठीक, ये CH2OH, ये हुआ स्ट्रक्चर. ठीक, राइबोस का इसी तरह से. अब यहाँ पे याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है आपसे, डी का मतलब होता है रिमूवल, डी से दूसरी पोजीशन पे. ये भी पूछा जाता है किस पोजीशन पे? OH ग्रुप नहीं होता है तो बताना, डी से रिमूवल, डी से दो. ठीक है, डी से DNA, DNA पे दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन, यानी OH ग्रुप नहीं होता है. और राइबोस में क्या होता है बेटा? होता है, ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 CH2OH. ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH. हम लोग बीटा शुगर लेते हैं इसमें. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर फार्मूला मैं लिखूँ इसमें डीऑक्सी वाले में, तो इसमें देखो कितने कार्बन? पाँच. हाइड्रोजन कितने बेटा? 10. ऑक्सीजन 5. ये फार्मूला हो गया. अगर मैं इसका लिखूँ, नहीं एक नहीं है, कम O4 होगा क्योंकि यहाँ पे है नहीं. अब मैं राइबोस का अगर लिखूँ फार्मूला क्या हो जाएगा? C5H10. यहाँ पे वो क्या है बेटा? 4, क्योंकि दूसरी O5 होगा यहाँ पे, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे एक O और है. तो 1 2 3 4 5. ठीक, 1
1 2 3 4, क्लियर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, हम लोग आगे अभी देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। और फास्फेट में हमने बना दिया फास्फोरिक एसिड, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, क्लियर। अब इसी से पूछा जाता है कि क्योंकि एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से, एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से आरएनए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, आरएनए की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने पढ़ा होगा अगर रिएक्टिविटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, जबकि डीएनए मोर स्टेबल होता है। एक कारण ये भी है डीएनए की स्टेबिलिटी का, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होती है, इस वजह से डीएनए मोर स्टेबल हो जाता है। और अदर भी फैक्टर होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी स्टेबलाइज करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए की, ठीक। अब उसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। नाइट्रोजिनस बेसिस में हम लोग बात करते हैं पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन में तीन लोग आते हैं, पता होगा बेटा, जो है कट, ठीक, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो अगर हम लोग इसमें देखें, ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन की ख़ास बात एक होती है बेटा, ये होते हैं जो है हेट्रोसाइक्लिक। क्या होते हैं, पहला पॉइंट ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अगर कार्बन के साथ साथ कोई और एटम अटैच होता है रिंग में तो हम लोग बोलते हैं उसको हेट्रोसाइक्लिक, तो ये है हेट्रोसाइक्लिक। दूसरी बात, ये होते हैं मोनोसाइक्लिक। एक ही रिंग दिख रही सबको, मोनोसाइक्लिक। पिरिमिडीन की ख़ास बात और क्या है बेटा, 1 2 3 4 कार्बन, कितने, 4 कार्बन + 2 नाइट्रोजन रिंग के अंदर होने चाहिए, ठीक। नाइट्रोजन की पोजीशन जो होती है कितने पे होती है, 1 2 3, यानी नाइट्रोजन की जो पोजीशन होती है बेटा 2 नाइट्रोजन में 1.3 पे होनी चाहिए। अगर ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, ये पिरिमिडीन का अगर ये सारी सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसके एग्जांपल हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग जब डीएनए की बात करते हैं तो हम लोग डीएनए आरएनए की, तो हम लोग 5 बेसिस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, 1 2 3, यस सेटिस्फाई है, कार्बन भी उतने ही हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3, यस पिरिमिडीन को फॉलो कर रहा है, 1 2 3, ये भी पिरिमिडीन को फॉलो कर रहा है। आउटसाइड हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इनसाइड रिंग के अंदर देखेंगे, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जो है पिरिमिडीन की बात करते हैं, पिरिमिडीन की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो है नाइट्रोजिनस बेसिस में प्यूरिन। प्यूरिन्स जो होते हैं दो होते हैं, पाजी, एडिनिन और गुआनिन, ठीक है ना, पाजी से याद रखना और पिरिमिडीन को कट से याद रखना, कट, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये पूरा पूरा बेटा हम लोगों को दिख रहा है, अगर ये रिंग मैं ऐसे छुपा लूँ तो ये बिल्कुल थायमिन की तरह लग रहा है, ठीक है ना। तो प्यूरिन, और इस रिंग को हम लोग बोलते हैं आइमिडाजॉल। तो प्यूरिन इज इक्वल टू आइमिडाजॉल प्लस थायमिन, क्लियर, ये याद रखना, ये थायमिन है, ये आइमिडाजॉल ग्रुप होता है। तो प्यूरिन इज इक्वल टू आइमिडाजॉल प्लस थायमिन। और ये इसकी भी ख़ास बात है, वाली थी मोनोसाइक्लिक, ये भी तो है हेट्रोसाइक्लिक, साथ साथ में वो थी मोनो, ये है बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है बाईसाइक्लिक। अब इसमें अगर हम लोग देखें, कार्बन जो है नाइट्रोजन कितने, 1 2 3 4, नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, 4 1 2 3 4 5, 5 कार्बन + 4 नाइट्रोजन, 5 कार्बन साथ साथ 4 नाइट्रोजन, इसी तरह सभी में यही 1 2 3 5 6 7 8 9, जो नाइट्रोजन की पोजीशन है बेटा 1 पे है 3 पे है 7 पे है 9 पे है, और यही कंडीशन सभी में है, ठीक है ना। तो हम लोग नाइट्रोजिनस बेसिस को जो है ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मुर्गी का अंडा, 2 2 डंडा, 2 2 और डंडा, गली गली में कर दो डंडा, क्लियर। अगर 1 कार्बन पे बेटा OH ग्रुप ऊपर, हमेशा हम लोग बीटा शुगर लेते हैं, और यहाँ पे OH लें या H लें, कोई एक ले सकते हैं आप,
यहाँ पे OH हो गया, यहीं से अटैच होता है CH2OH, क्लियर। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है। क्या अटैच होता है बेटा? नाइट्रोजिनस बेस। ये मान लेते हम बेस है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, तुम पांचों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ग्वानिन ले लो, साइटोसिन ले लो, थायमिन ले लो, कुछ भी ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ग्रुप होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस, डिहाइड्रेशन होता है, सॉरी हाइड्रोलिस, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, ये आपस में बेस से बाउंड बना, यानी जो बेसेस होते हैं हमेशा वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, पी से 5 पीछे फास्फेट, ठीक, पांचवें पे फास्फेट ऐसे बैठाए रहना, और यहाँ पे अटैच होता है क्या बेस, तो कोई भी बेस अटैच हुआ, वाटर रिमूव हुआ, बेस अटैच हो गया, तो हम लोग ये बाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बीटा शुगर होती है तो बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं बेटा। और इसी तरह यहाँ पे अभी हमने बनाया था फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, ये हो गए डबल बॉन्ड, ये हो गए OH, ये हो गए OH, और यहाँ पे हो गए OH, ठीक, यहाँ से रिमूव हो गया क्या वाटर OH, और ये क्या है OH, ठीक, यहाँ से रिमूव हुआ वाटर, ठीक, वाटर को जब रिमूव किया जो बॉन्ड बना इसको हम लोग बेटा कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। डाईस्टर तब बोलेंगे जब इधर भी और उधर भी दोनों तरफ अटैच होते हैं, तब हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अटैच है तो हम लोग बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेस में अटैच होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम ऐसे ही बनाना, अगर बनाना सीख गए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग एक ख़ास बात यहाँ से निकल के आ रही है कि शुगर के साथ अगर बेस होते हैं तो हम लोग बोलते हैं बेटा इसको न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब H3PO4 अटैच हुआ तो हम लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड। अगर ये आप कभी भूल जाएं तो ऐसे याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड और टाइड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइड पहले फिर उसके बाद टाइड आता है, ठीक, क्लियर। अब इसमें हम लोग बेस में अगर हम लोग बात करें तो बेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? एडिनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, क्लियर। अब ये दोनों क्या है बेटा? प्यूरीन है। क्या है ये? प्यूरीन। मैं ऐसे इस वजह से लिख रहा हूँ, अभी यही काम आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिरीमिडीन कहते हैं, क्लियर। अब अगर इसका नाम न्यूक्लियोसाइड में हो तो कैसे होगा? एडिनोसिन। क्या होगा बेटा? एडिनोसिन, क्लियर। इसका नाम क्या होगा? गुआनोसिन, ठीक। इसका नाम क्या होगा? साइटिडीन, लिख लेना। अब डाइन लगाना है लास्ट में, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरेडीन। पूछ सकता है आपसे कि थाइमिडीन इज अ न्यूक्लियोटाइड और साइड, तो बताइएगा कि न्यूक्लियो क्या होगा? साइड होगा, क्लियर। एडिनोसिन इज अ टाइड और साइड, तो बताइएगा क्या होगा? न्यूक्लियो साइड, क्लियर। जब हम लोग इसमें अब अटैच कर देंगे किसको? H3PO4 को, तो लास्ट में हमें लगाना है लिक एसिड, ठीक। जैसे एडिनोसिन है एडिनो
साइनिलिक एसिड, गुआनो साइनिलिक एसिड, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग लिक लिक लगा देंगे, क्लियर। तो ऐसे हम लोग बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लविंग, केयरिंग, शेयरिंग दिस वीडियो, थैंक यू।